हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के रम डायरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और ओल्ड मंक गोल्ड रिजर्व। इससे पहले तीन और ओल्ड मंक के रिव्यूज कर चुका हूं मैं, तीन डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं जो ओल्ड मंक के, और ये चौथा और लास्ट डार्क रम का वेरिएंट है, तो आज ये भी लेकर आ गए हैं। ऑनेस्टली मैंने कभी ये वाला जो वेरिएंट है ओल्ड मंक का कभी नहीं पिया, थोड़ी सरप्राइजिंग लगेगा आप लोगों को। इनफैक्ट एक और सरप्राइजिंग बात भी बताता हूँ कि मुझे लगता था कि ये जो ओल्ड मंक की बॉटल है, ये जो ओल्ड मंक का ओरिजिनल वेरिएंट आता है उसी का एक रीडिजाइंड बॉटल है। मुझे नहीं पता था कि ये एक नया या डिफरेंट वेरिएंट है, तो आज फाइनली मुझे भी ट्राई करने को मिलेगी ये। सो ओल्ड मंक गोल्ड रिजर्व, ओल्ड मंक ब्रांड के बारे में मैं काफ़ी सारी बातें बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ओल्ड मंक के जो पुराने वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं जो बातें करूंगा वो सिर्फ इस वेरिएंट के बारे में ही होंगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे सरप्राइजिंग लगी, इस बॉटल का जो डिज़ाइन है या फिर इवन बॉक्स का जो लुक है, लोगो है, या जिस तरीके से ओल्ड मंक लिखा जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी तीन जो वेरिएंट्स आते हैं उनसे। ऑल्दो इसमें भी जो एच जी मीकन है उनकी फ़ोटो बनी है यहाँ पर, बट जिस तरीके से ओल्ड मंक लिखा जाता है आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी डिफरेंट है दूसरी ओल्ड मंक के वेरिएंट से, या इवन जो बॉटल डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल है, और वहीं जो दूसरी ओल्ड मंक के वेरिएंट्स आते हैं उनके डिज़ाइन कुछ फैंसी तरीके से बनाए जाते हैं। और उसका रीज़न मुझे पता लगा जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी इसके बारे में। ये जो ओल्ड मंक का वेरिएंट है ये बनाया जाता है मोहाली पंजाब में, एज कम्पेयर टू द अदर थ्री वेरिएंट्स जो कि गाजियाबाद यूपी में बनते हैं। सो आई एम श्योर इस रम के अंदर कुछ अलग बात होगी, टेस्ट में भी कुछ अलग होगा इसके अंदर, आज चेक कर लेंगे हम वो चीज़। साथ ही इस रम में लिखा गया है ब्लेंडेड 12 इयर्स, तो क्या इसका मतलब है कि ये रम 12 इयर्स ओल्ड है? जी नहीं दोस्तों, आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो रम है ये 12 इयर्स ओल्ड नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ ओल्ड रम मिक्स करी गई हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी की पूरी जो रम है ये 12 इयर्स ओल्ड है। ये जो टर्म्स है, जिस तरीके से टर्म्स यूज़ करे जाते हैं, ये थोड़ा सा मिस गाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये इंटेंशनली यूज़ करा गया है या अनइंटेंशनली, आई एम प्रीटी श्योर इंटेंशनली ही यूज़ करा गया होगा, बट आई थिंक थोड़ा सा एक नेगेटिव फीलिंग आता है ये मन में कि क्यों ऐसे टर्म्स यूज़ करे जाते हैं। एक रम को 12 इयर्स के लिए एज कराना बहुत ही बड़ी बात होती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे जो इवेपोरेशन रेट है जब आप एक लिकर को, स्पिरिट को एज कराते हैं तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंट्री में 12 इयर्स के लिए एज कराना एक रम को आई थिंक इम्पॉसिबल के बराबर है, और स्पेशली उसको 12 साल के बाद एज कराने के बाद उसे आप इतने कम प्राइस में बेच रहे हैं। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं, ये जो टर्म्स है, इसे ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए कंपनीज को। खैर, इस बारे में मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी थक गए होंगे मेरे ही सारी बातें सुन सुन के। प्राइस है इस रम का ₹440 इन दिल्ली, तो जो ओरिजिनल ओल्ड मंक का वेरिएंट आता है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, और टेस्ट में चेक कर लेंगे हम कि कितना अच्छा या बुरा है उस वेरिएंट से। एंड ऑफ कोर्स इस रिव्यू के बाद मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा ओल्ड मंक के ऊपर, जिसमें मैं जो चारों डार्क रम के वेरिएंट्स हैं उन सबको कंपेयर करूंगा और जज करूंगा कि सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है ओल्ड मंक का। तो चलिए, इस रम को जैसे मैं हमेशा करता हूँ तीन तरीके से मैं ट्राई करूंगा, पहले नीट, फिर विद वाटर, और उसके बाद विद कोक, और उसके बाद चेक करेंगे कि मुझे रम कैसी लगी इन तीनों फॉर्म्स में। छोटा छोटा पोर कर लेता हूँ मैं एक, और उसके बाद इस ग्लास में जिसमें मैं पानी मिक्स करूँगा, और फिर लास्ट में थर्ड ग्लास जिसमें मैं कोक डालूँगा। अरोमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मुझे यहीं से आ रहा है। चलिए नीट ट्राई करते हैं पहले। एकदम डार्क रेड रस्ट टाइप का कलर है इसका, काफ़ी ज़्यादा कैरेमल हेवी लग रही है। जो वनीला के नोट्स होते हैं जो एक रेगुलर ओल्ड मंक से आते हैं वो इतने ज़्यादा अपफ्रंट नहीं आ रहे हैं मुझे।
हल्के हल्का चॉकलेटी मिंटी नोट्स आ रहे हैं, हल्के हल्के स्पाइसेस भी फील कर पा रहा हूं मैं। स्वीटनेस है बट नोट्स में इतनी ज्यादा नहीं आ रही है। चलिए टेस्ट करते हैं अब। काफी ज्यादा स्पाइसीनेस आ रही है एज कंपेयर टू जो अदर वेरिएंट्स है ओल्ड मॉन्क के। आई थिंक इवन ओल्ड मॉन्क लेजेंड जो है उससे भी ज्यादा स्पाइसीनेस लग रही है मुझे इस रम में। हिंट ऑफ वेनिला, हिंट ऑफ कैरमल, बट जो स्पाइसीनेस है वो काफी ज्यादा डोमिनेट करती है इस रम को। इवन जो स्वीटनेस होती है रम में वो काफी दब जाती है इसके अंदर, इसकी स्पाइसीनेस के आगे। ऑनेस्टली मुझे अच्छी लगी है रम। जो स्पाइसीनेस है वो आपको गले में फील होती है। हार्श नहीं है बिल्कुल भी ये रम। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल वाली कोई चीज आप पी रहे हो। ओवरऑल इट्स क्वाइट स्मूथ बट द स्पाइसीनेस जो इसके अंदर है वो काफी अच्छा पंच देती है। चलिए विद वाटर ट्राई करते हैं, और उससे पहले मैं थोड़ा सा प्लेन पानी पी लेता हूं। चलिए विद वाटर ट्राई करता हूं इसे अब। जो चॉकलेट टी फ्लेवर है इसका, स्वीट फ्लेवर है, कैरमल फ्लेवर, वो काफी उभर के आ रहा है अब पानी डालने के बाद। जो स्पाइसीनेस है वो थोड़ी सी दब गई है। डेफिनेटली आई थिंक पानी डालने के बाद इस रम का जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। इट्स स्टिल क्वाइट स्मूथ, इट्स स्टिल क्वाइट टेस्टी, बट आई प्रेफर्ड इट नीट बिकॉज जो स्पाइसीनेस आ रही थी मुझे वो काफी अच्छा फील दे रही थी। बट इट्स नॉट बैड एट ऑल विद वाटर। अगर आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम करें आई थिंक काफी अच्छा टेस्ट करेगी ये। कोशिश करिए अगर आप पानी के साथ इसे पी रहे हैं तो थोड़ा कम पानी डालिए ताकि आप स्पाइसीनेस जो है वो फील कर सके। आई थिंक इस रम की जो का जो यूनिक फैक्टर है वो उसकी स्पाइसीनेस है। चलिए अब विद कोक ट्राई करता हूं मैं, और एक बार फिर थोड़ा पानी पी लेता हूं। काफी अच्छा पंच है इसका कोक के साथ, बट मैं बोलूंगा जो एक टेस्ट है कोक का और इस रम का वो इतने अच्छे से मैशअप नहीं हो पा रहा है। कोक को मैं अलग से फील कर रहा हूं और इस रम को अलग से फील कर रहा हूं। जो रम है वो आपके टंग पर रह जाती है और उसे आप काफी देर तक फील करते हैं। इवन जब आप कोक पूरी पी लेते हैं उसके बाद भी जो रम का आफ्टर टेस्ट है वो आपके टंग पर रह जाता है। सो ऑनेस्टली मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है विद कोक, बट फॉर मी आई थिंक इस रम को मैं काफ़ी प्रेफर करूँगा अगर मैं इसे नीट पीऊँ। पानी के साथ आई वुड नॉट माइंड अगर मैं कम पानी डालूँ, बट मुझे कोक के साथ ये रम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। आई एम नॉट श्योर कि क्या है इस रम में ऐसा अलग जो कोक के साथ अब अच्छे से मैशअप नहीं हो पाए। जहाँ बाकी तीन जो वेरिएंट्स हैं ओल्ड मॉन्क के वो अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एंट्री लेवल की है, एक मिड रेंज है, और उसके बाद एक प्रीमियम रेंज में आती है, वहीं ये जो ओल्ड मॉन्क है ये आई थिंक अपने आप में ही एक अलग ही कैटेगरी चलती है। बट आई थिंक इट्स नॉट अ बैड चॉइस, इट्स नॉट अ बैड ऑल्टरनेटिव। अगर आपको ओरिजिनल ओल्ड मॉन्क इतनी पसंद नहीं है, जैसे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट लगती है वो, इसलिए मैं कैप्टन मॉर्गन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो आई थिंक उन लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस होगी ये, आप ट्राई कर सकते हैं इसे। क्योंकि इसमें जो स्वीटनेस लेवल है वो काफ़ी कम है, और प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 440 रुपीज़ आई थिंक एक डिसेंट प्राइस है, और एक अच्छी रम भी है। सो फॉर मी इट गेट्स अ थम्स अप, बट डोंट ड्रिंक विद थम्स अप एंड डोंट ड्रिंक विद कोक। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, हो सकता है आपको अच्छी लगे।
और उसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे आपको अच्छी लगती है वैसे पीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ओल्ड मंक गोल्ड रिजर्व के ऊपर। कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।